काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ अवर मक्का व्लॉग्स। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा रूम टूर दे रही हूँ और ये रूम से व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारा। और इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी से बस निकलें, फौरन चले मक्का की तरफ, चलें उधर हरम की तरफ और उमरा जो है वो शुरू करें। तो इतनी इधर इतना सुकून होता है, इतना सुकून होता है मक्का में कि आप जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं और सारी थकन आपकी सफ़र की तो पता ही नहीं चलता आपको कि आपने कोई मतलब भूल जाते हैं आप बिल्कुल यहाँ पर आकर। क्योंकि आप देखें एक जब आप चल रहे होते हैं या हम लोग अब जा रहे थे हरम की तरफ और अब जैसे लोग जोक दर जोक जा रहे होते हैं तो उससे इतना अच्छा फील होता है, इतना जो है ना जोश और जज्बे जवान हो जाते हैं, इंसान फ्रेश हो जाता है, ऐसे लगता है कि जो है वो बड़ा ईमान ताज़ा हो जाता है एकदम से और सारी थकन वगैरह भूल जाती है। कंस्ट्रक्शन तो होती रहती है उधर, देखिए उस साइड पे। चापों ने हराम पहना हो तभी वो आप लोगों को अंदर जाने देते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था अपना जो है वो उमरा तवाफ स्टार्ट किया था तो मगरिब का टाइम हो गया अभी ये, तो फिर हम लोगों को बिल्कुल देखें सहन में जगह मिली है और तवाफ रुक जाता है बिल्कुल जब अजान का वक्त होता है उस वक्त, और बाकी जैसे ही फ़र्ज हो जाते हैं उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है। तो हम लोग बस उसी में थे कि जैसे ही जो है वो नमाज मगरिब की अदा करके इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, इलाही मदद कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया हम लोगों का मुकम्मल। उम्र का फ़र्स्ट उम्र था उम्र का ये, माशाल्लाह माशाल्लाह छोटा सा है तो उसके लिए बड़ी हिम्मत की बात थी हमारे ख्याल में कि उसने पूरा किया। चलना इतना मुश्किल होता है और जिस दिन ट्रैवल करके आए थका हुआ है उस दिन ही ये मतलब उम्रा करना उसके लिए एक मतलब एक बिग थिंग थी और हम लोग डर रहे थे कि पता नहीं ये कैसे करेगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उसने ज़रा भी नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, ज़रा भी नहीं उसने शिकायत की कि टांगों में दर्द है कुछ है, माशाल्लाह उसने मुकम्मल किया। और यहाँ पे बस हमने जो है वो खाना वगैरह इसके बाद चले गए थे, खाना खाया और अब मैं ये देख रही थी लास्ट में चलते चलते वापस होटल की तरफ जा रही थी तो फिर मैं देख रही थी कि कितना सुकून लग रहा था, इतना पीसफुल लग रहा था ये रात के वक्त के मंज़र।
और बस इस वक्त इंसान को ऐसे लग रहा होता है कि मेरा दिल था कि होटल में बच्चों को वगैरह को लिटा के ना तो फिर दोबारा आऊँ इधर ना और सुकून से जो है वो करूँ, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा यही सोचा कि चलो अगले दिन फ्रेश होकर दोबारा आते हैं। और अब ये है जी नेक्स्ट डे, इस दिन हमारे पास पूरा दिन था तो हम लोग ये मैं बच्चों को लेके आ गई थी। अच्छा, अहराम वालों को सिर्फ आने देते हैं जो इधर से तवाफ़ वाली जगह पर वहाँ, वरना बाकी जो जो डोर्स हैं वो मतलब जो जिन्होंने अहराम नहीं पहना हुआ होता वो फिर ऊपर वाले मंजिलों में जाते हैं। लेकिन मैं मेरा ये एडवांटेज, औरतों को शायद ये एडवांटेज मिल जाता है ना कि उनको पता नहीं चलता कि वो इस वक्त उम्र के लिए आ रही हैं या वो, तो हम लोग तो मैं तो बच्चों के साथ आ गई थी अंदर लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं आने दिया और मर्दों को नहीं आने देते, तो वो फिर उन्होंने ऊपर किया था तवाफ़ वगैरह और अपनी दुआएं वगैरह और हम लोग यहाँ पर आके बैठे बिल्कुल। पहले तो हम लोग पीछे करके बैठे हुए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे आते गए और अब ये बिल्कुल हम लोग जो है वो सहन में बैठे हुए थे। और बच्चे भी जो है उन्होंने भी अपना, मैंने उमर से कहा चले आप कुरान पढ़ लें और थोड़ी सी दुआएं करें और इस तरह से ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये देखें दोनों बच्चे खेल रहे हैं अपना और ये इतना सुकून वाला मंजर था। बस दिल कर रहा था इधर ही बंदा बैठा रहे और अल्लाह ताला के, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला के सामने बैठे, अल्लाह ताला के सामने आप मांग सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं और आपको अल्लाह ताला बहुत करीब महसूस होता है। तो बस खाना खाया और खाना खा के हम लोग आ गए होटल में वापस और ये देखें होटल से व्यू देखें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, फजर की नमाज के बाद बैठी हुई थी इधर आराम से और जो है वो भी टाइम था क्योंकि हम लोगों ने आज निकलना है 12 बजे, लेकिन तो बस इसके बाद जाऊंगी 8-9 बजे तक मैंने सोचा था कि जाऊंगी, जाके नाश्ता वाश्ता करेंगे और पैकिंग करके तो फिर निकलेंगे वापसी के लिए रियाद की तरफ। तो बस ये लास्ट में जो है ना दिल नहीं भर रहा होता, इंसान कहता है ये भी दोबारा बैठ के देख ले, ये भी कर ले, थोड़ा सा और बैठ जाए, थोड़ा सा और देख ले, थोड़ा सा और पढ़ ले, कुछ कर ले, तो ऐसे था। अभी ये देखें ये सुबह अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होने शुरू हो गई है, सनराइज़ होने शुरू हो गया था और मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर सहन में। इस वक्त बिल्कुल रश नहीं था और बल्कि लोग आप देखें आसपास जो है ना कुछ लोग यहाँ पर सोए हुए भी थे और मतलब बहुत जगह थी, बहुत खाली था ये, तो यहाँ पर मैं आराम से बैठी, मैंने अपना बहुत सुकून के साथ कुरान वगैरह पढ़ा और टाइम इतना स्पेंड किया। फिर मैंने सोचा कि एक तवाफ़ भी और कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है ना वो एक तवाफ़ भी मैंने कर लिया। फिर करीब से मुझे बिल्कुल काबे को पकड़ने का भी वो हो, ये यहाँ पे थी मैं इधर
और ये चीज़ें बहुत जो हैं वो, लेकिन आगे बहुत नहीं गई थी कि भाई इतना ज़्यादा भीड़ में जाना तो ये अच्छा नहीं है, तो कि इतना मतलब टच वगैरह होता है बाकी सबके साथ और घुटन और वो चीज़ें, तो जितना अच्छे तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप पीछे पीछे रह कर कर लो और देख लो। इस वक्त रश नहीं था बिल्कुल भी, ये देखें मैं कितनी देर इधर खड़ी रही थी मकाम इब्राहिम पर, और ये मैंने हिजाब लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और बस इसको काबे को लास्ट में देख कर एक दफ़ा अलविदा ही नज़र डाल के तो फिर ये मैं वापस मकी की तरफ जा रही हूँ। तो ये देखें हरम के कबूतर, इनको भी देख के बहुत प्यार आता है, बहुत अच्छा लगता है। बस इसके बाद हम लोग जो हैं वो नाश्ता वाश्ता करेंगे और पैकिंग करके निकलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाश्ते ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड था उसकी भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।